हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेरी वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स दोस्तों आज के सेशंस में हम बात करेंगे राजस्थान की पेंटिंग्स की जैसा कि अगर आप आर के एग्जाम और आर रिलेटेड अदर एग्जाम से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि राजस्थान की पेंटिंग्स से कम से कम दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो आर का एग्जाम हो या पटवार हो या वीडियो हो या रीट हो या फिर फर्स्ट ग्रेड या, 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 या सेकेंड ग्रेड के एग्जाम हो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार तरीके से आज हम राजस्थान की पेंटिंग्स की सभी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो चाहे फिर प्रम्स में आप इसका उत्तर दें या फिर मीन्स में आंसर राइटिंग करें दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स मैं संतोष शर्मा आई हैव सेवन प्लस एयर स्टीचिंग एक्सपीरियंस अपियर टू टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू फोर टाइम्स यूपीएससी मींस एग्जाम एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड आर एस एग्जाम इन टू थाउजेंड थर्टीन देखिए दोस्तों अनएकेडमी के ऐप से अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप अन अकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर आप मेरी कुछ क्लासेस को फ्री सेशंस के रूप में भी ले सकते हो एंड अनअकेडमी पर एक कम्युनिटी ऑप्शन भी है जहां से आप सीधे अपने एजुकेटर से अपने टीचर से जुड़ सकते हो वहीं पर आप नोट्स प्रैक्टिस और जो जो आपके फीडबैक्स हैं वो पोल्स के माध्यम से दे पाएंगे जब आप फ्री क्लासेस ले लें डेमो सेशंस ले लें ले, फिर उसके बाद में संतुष्ट होने के बाद में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, लाइव टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस भी और ध्यान रखिएगा आरएएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है एंड दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन आर फाउंडेशन बैच क्यों है ये सही समय क्योंकि आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी नहीं मिली है तो आपको मैं बता दूं मेंस का रिजल्ट आने वाला है आर मेंस 2021 का जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर आने वाला है जुलाई के मिड तक लगभग 15 जुलाई तक हर हालत में आर मेंस का रिजल्ट आपके हाथ में होगा तो आर मेंस का रिजल्ट जुलाई में आएगा तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ इंडिकेशन है कि आर एस की भर्ती भी जुलाई के अंत तक आ ही जाएगी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जुलाई तक आपकी भर्ती आ सकती है तो बिल्कुल जुलाई में अब भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं लगभग या के आसपास शायद पोस्ट हो सकती है। तो तथाकथित सूत्रों से यही पता चला है तो इट इज ए राइट टाइम फाउंडेशन बैच आपका आ चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेरी क्लासेस भी चालू हो गई हैं तो जिन बच्चों को साइंस एंड टेक बहुत टफ लगता है स्पेशली मेंस का तो वो हम प्रिलिम्स का नोटिफिकेशन आने से पहले ही पूरा साइंस एंड टेक कंप्लीटली मेंस के हिसाब से तैयार करके रख लेंगे आपको 20 प्रतिशत डिस्काउंट प्राप्त होता है तो यू विल गेट 20 परसेंट डिस्काउंट अगर आप शर्मा टेन रेफरल कोड के साथ में आज रात को बारह बजे से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो और ध्यान रखिएगा ये जो कोर्सेज हैं ये बाइलिंग हैं यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या जो महीने का सब्सक्रिप्शन आपका सात हजार सात सौ रुपए में आता था वो आप शर्मा टैंड रेफरल कोड को यूज कर, कर आप छह हजार एक सौ उनसठ रुपए में ले सकते हो दो साल का सब्सक्रिप्शन जो आप नौ हजार तीन सौ रुपए में लेते थे वो अब आप शर्मा 10 रेफरल कोड यूज कर सात हजार चार सौ रुपए में ले सकते हो तो इट इज दे वन टाइम ऑफर 20 परसेंट डिस्काउंट का फायदा उठाओ शर्मा टेन रेफल कोड कैपिटल लेटर्स में लगाकर सब्सक्राइब कर सकते हो या गुड इवनिंग एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की हाँ उससे पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है पर देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को आप सभी लाइक और शेयर कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थानी चित्रकला शैली राजस्थान में मरुस्थलीय प्रभाव हमेशा रहा है तो मरुस्थलीय प्रभाव आपको चित्रकला में भी देखने को मिलेगा शुरुआत में राजस्थान में खाने पीने की समस्या काफी थी काफी मरु प्रदेश था इतना उपजाऊ था नहीं तो कोई बहुत ज्यादा चित्रकला उपजी नहीं छोटी मोटी चित्रकारियां हम लोग कर लिया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में फिर उसके बाद में मौर्य वंश में गुप्त वंश में पर हकीकत में जो रियल चित्रकला शैली थी वो केवल तब हो पाई जब मुगलों के सानिध्य में राजस्थान गया क्योंकि जैसे ही मुगलों के सानिध्य में अकबर के सानिध्य में राजस्थान जाता है तो राजा महाराजाओं को एक शांति भरी जिंदगी जीने का मौका मिला और फिर वहां से चित्रकला चालू होती है विशेषतः जहांगीर जो था उसे बहुत ज्यादा शौक था पेंटिंग्स का इवन आप कभी जयपुर में जाओ तो अल्बर्ट म्यूजियम में भी आपको आज भी अच्छे खासे मिनिएचर पेंटिंग मिल जाएगी जिसका शौकीन जहांगीर यानी कि सलीम हुआ करता था तो हमारे राजस्थान के अंदर 16 से 18वीं शताब्दी तक कई छोटी बड़ी रियासतें थी और उन छोटी बड़ी रियासतों में अब चित्रकला आ गई थी तो सोलह से अठारवी शताब्दी में जो हमारे राजपूत राजा और जो जागीदार हुआ करते थे वो बहुत बड़े कला प्रेमी हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा मुगलों से मिल गई थी तो वो अपने बड़े बड़े महलों में राजप्रसादों में दीवारों पर चित्रण करवा लिया करते थे और फिर वहीं से कई महत्वपूर्ण कलाकारों को भी आश्रय देने लग गए और यहां से अद्भुत विकास हुआ हमारे राजस्थान की चित्रकला शैली का तो राजस्थान की जो चित्रकला है वो हमारे समकालीन वैभव को भी बताती है कि किस तरीके से हम रहा करते थे क्या हमारी संस्कृति थी तो चित्रकला हमारे राजसी बाट को भी बताती है और को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है राजस्थानी चित्रकला के अंदर कि हमारी जो भावुकता है हमारे जो एक्सप्रेशन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं इवन कई कई एक्सप्रेशन तो बहुत रहस्यात्मक हैं जैसे कि आप किशनगढ़ चित्रकला शैली की मोनालिसा बनी ठंडी को ही लिख लो आज तक लोगों को नहीं पता कि ये किस भाव से मुस्कुरा रही है बनी ठनी तो जैसे कि मोनालिसा के पेंटिंग में पता नहीं चलता हर व्यक्ति उसकी मुस्कुराहट को अलग प्रकार से इंटरप्रेट करता है बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें बनी ठंडी में भी देखने को मिलता है तो हमारी राजस्थान की पोथी चित्रण कला राजस्थान की जो पोथी चित्रण कला है क्योंकि तो वहीं से चीजें चालू हुई हैं तो पहली बात राजस्थान में जो चित्रण कला का मूल स्रोत है वो है पोथी चित्रण कला तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में पोथी चित्रण कला का मूल स्रोत है लोक चित्रकला की जो जनमानस में सामान्य लोग जनजीवन के लिए जो किस तरीके से लोग रह रहे हैं गांवों में कैसे लोग रहते हैं क्या जनजीवन है तो लोक चित्रकला मुख्य स्रोत रहा और प्राचीन अपभ्रंश कला या फिर अजंता शैली ही है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान की पोथी चित्रकला शैली का मूल स्रोत लोक चित्रकला या एवं हमारे अजंता शैली रही है और इसी वजह से राजस्थानी चित्रकला शैली को एक भारत की पूर्ण चित्रकला शैली का दर्जा दिया गया है तो हमारे राजस्थान में भौगोलिक स्थितियां अलग अलग रही हैं राजा महाराजा अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं इसीलिए राजस्थान की चित्रकला शैली को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है एक है हमारी मेवाड़ की चित्रकला शैली और मेवाड़ की चित्रकला शैली के अंदर हम पढ़ेंगे उदयपुर चित्रकला और नाथ द्वारा की चित्रकला इसी तरीके से दूसरी चित्रकला शैली है मारवाड़ की चित्रकला शैली जिसमें हम पढ़ेंगे जोधपुर चित्रकला बीकानेर चित्रकला और सबसे महत्वपूर्ण किशनगढ़ चित्रकला शैली फिर दोस्तों हम आते हैं जयपुर की तरफ तो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाने की वजह से ढूंढाड़ चित्रकला शैली को हम जानेंगे और मुख्य रूप से जयपुर और अलवर को हम यहां पढ़ने वाले हैं और फिर बात करते हैं हम हाड़ौती चित्रकला शैली की जिसमें हम कोटा और बूंदी चित्रकला के बारे में जानेंगे तो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण और मुख्य मुख्य चित्रकलाएं हैं उनके बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें एक बड़े पांच नंबर या दस नंबर के प्रश्न के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे कि पांच नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मेंस में कि राजस्थानी चित्रकला के मुख्य विषयों के बारे में बताइए क्या आ सकता है पांच नंबर का प्रश्न कि राजस्थानी चित्रकला के मुख्य विषय इंग्लिश में आप कह सकते हैं व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स तो राजस्थान के मुख्य कला के तो राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं उनका जो मेन विषय है मेन विषय हमेशा भगवान रहे हैं तो मुख्य उद्देश्य है अपने आराध्य देव की स्तुति और उनसे संबंधित चित्र बनाना और खासकर राजस्थान में लघु चित्र छोटे छोटे चित्र मिनिएचर और पोथी चित्र ज्यादा फेमस हुए हैं तो हमारे पौराणिक कृष्ण लीला के चित्र आपको काफी देखने को मिलते हैं प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत रामायण इनके चित्र आपको देखने को मिलते कभी अल्बर्ट हॉल जाओ जयपुर में दीवारों पर तुम्हें महाभारत के चित्र उकेर हुए मिलेंगे तो ये बताते हैं कि राजस्थान में आराध्य देवों के चित्र बहुत फेमस इवन तुम लोग देवताओं के बहुत सारे चित्र देख सकते हो गोगा जी के ले लो हमारे देवनारायण जी के चित्र ले लो इवन फड़ देख लो फड़ क्या होती है चित्री तो है फड़ और क्या है फड़ मतलब आपके एक पेपर पर हमने कुछ चित्र बना दिए जिसमें हमारे लोक देवताओं के जीवन वृतांत है उन्हें देख देख कर भोपा भोपी कहानियां सुनाते रहते हैं तो वो भी एक चित्रकला का ही रूप है तो मुख्य रूप से चाहे आपके रसक प्रिया का चित्र हो या फिर हो गीत गोविंद या फिर हमारे सूर सागर रसक मंजरी इन सभी ग्रंथों पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए और विशेषतः वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में काफी प्रभाव रहा इसीलिए श्री कृष्ण जी की लीलाओं का चित्रण बहुत शानदार तरीके से किया गया है लोक देवताओं में तेजाजी रामदेव इन सभी का चित्रण बहुत अच्छा हुआ है इसीलिए फड़ चित्र भी बहुत फेमस हुए हैं तो सबसे पहला मुख्य विषय रहा हमारे राजस्थान की चित्रकला शैली का वो था देवी देवताओं के पौराणिक कथाओं के चित्र कृष्ण लीला के चित्र दूसरा महत्वपूर्ण विषय राजस्थान की चित्रकला शैली का है रागमाला एवं ऋतियों के चित्र क्योंकि देखिए राजस्थान की जलवायु बड़ी विषम है तो जब कभी बरसात आ जाए तो मतलब मजे आ गए अभी आप सभी लोग भीषण गर्मी में झुलस रहे हो राजस्थान का टेम्परेचर 49 50 तक भी पहुंच गया कई कई जगह तो तो आप सभी को इंतजार है कि चलो यार थोड़ा सा बरसात हो जाए तो इसीलिए ऐसा इंतजार पहले भी रहा करता था और अब तो चलो ए है पंखे पहले बहुत इंतजार होता था इसीलिए ऋतुओं के चित्र विशेष महत्व रखते हैं राजस्थान में तो अगला महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान की पेंटिंग्स का वो है रागमाला और ऋतुओं के चित्र तो हमारे संगीत शास्त्र की राग रानियों के चित्र मिलते हैं रागमाला मतलब हमारे जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से अलग अलग राग रागी को गाने वाले नवरत्नों में लोग रहा करते थे तो वहां पर राग रानियों के मूर्ति व्रत चित्र बनाए गए हैं कैनवास पर चित्र बनाए गए हैं काफी एक्सपर्टीज के साथ में चित्र बनाए गए हैं इस और किस राग में किस ऋतु के अंदर कौन सा राग गाया जा रहा है उन ऋतुओं का भी ढंग से ध्यान रखा गया है अब देखो राग रागनियों के चित्र बनेंगे तो जो उनका कोई ना कोई नायक होगा कोई ना कोई नायिका होगी तो नायक नायिकाओं को भी मूर्त रूप दिया गया है बिल्कुल ऐसे चित्र बनाए गए हैं जैसे कि बिल्कुल हमें विजिबल लाइव लिखे जैसे कि आप अभी थ्री मूवी देखते हो फोर वाली मूवी देखते हो तो उसमें बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस आता है बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाने की कोशिश की गई है साथ ही साथ वन वाटिकाओ आम बड़ पेड़ यानी कि आसपास के जो ऋतुओं का वर्णन है वो किया गया है क्योंकि तो हर ऋतु में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे अलग प्रकार से दिखाई देते हैं क्योंकि तो बरसात का पेड़ आपको अलग दिखेगा और गर्मियों का झुलसा हुआ पतझड़ वाला पेड़ तुम्हें अलग दिखेगा तो ऋतुओं को दिखाने के लिए वनस्पति और जीव जंतुओं को दिखाना बहुत जरूरी है तो इसीलिए ऋतुओं का जो वर्णन है वो वनस्पति और जीव जंतुओं के माध्यम से किया गया है और ऋतुओं के चित्रण से संबंधित शैली को कहते हैं ऋतु संहार और बारामासा ग्रंथ में प्रकृति दी गई है तो ध्यान रखिएगा ऋतु संघार पर दो नंबर का प्रश्न आ सकता है और ऋतु संघार संघार मतलब चित्रों से संबंधित ऋतुओं से संबंधित चित्रों की शैली तो टू मार्कर प्रश्न यहां पर बन सकता है इसे आप ध्यान रखिएगा इट शुड बी रिमेंबर चलिए क्लियर हो हो जाना चाहिए अगला हमारा राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है राजसी वैभव क्योंकि देखो युद्ध बुद्ध की टेंशन तो खत्म हो गई मुगलों ने हमें संरक्षण दे दिया तो कोई छोटे मोटे राजा महाराजा तो लड़ेंगे नहीं अब लड़ाइयां होंगी तो लड़ने के लिए जैसे कि हर परिवार से कोई ना कोई राजा चला जाता था मुगलों के दरबार में तो लड़ाइया वो कर रहे हैं तो अब राजस्थान में जो बचेगा वो आराम से ठाठबाज से रहेगा अब राजसी वैभव को दिखाना जरूरी अब कौन राजा कितना बड़ा है इसको दिखाएगा कैसे चित्रों से दिखाएगा तो इसीलिए राजसी वैभव राजा महाराजाओं जागीरदारों के सरदारों के व्यक्ति के चित्र मिलते हैं हमें महलों में दरबारों में अच्छा खासा साधु संतों का आना जाना लगता है तो साधु संत की भी देखने को मिल जाएंगे आपको तो इसीलिए राजसी वैभव भी महत्वपूर्ण विषय है राजस्थानी पेंटिंग्स का अब राजसी वैभव हो गया अब जनता किस तरीके से वहां पर रह रही है इसे दिखाने के लिए लोक जीवन दिखाना बहुत जरूरी है और पब्लिक लाइफ दिखाने के लिए हमने घरेलू जीवन को विषय बना दिया तो राजस्थान के जनमानस का जीवन हमेशा धार्मिक रहा है तथा घरेलू जीवन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रहा है यह हमारे चित्रों में भी देखने को मिलता है ग्रामीण जीवन के जैसे कि हाट बाजार चौपाल पनघट घर खेत खलियान ये सब हमें चित्रों में देखने को मिलते हैं साथ ही साथ चित्रकारों ने ग्वाले, शिक्षक पनघट कांटा निकालती तरुणी यानी कि युवती जो जवान लड़की होती है उसे तरुणी बोलते हैं आपके पर्यायवाची शब्द है तो कांटा निकालती तरुणी अंजन लगाती तरुणी अंगड़ाई लेती नव यौवना दर्पण में मुख देखती हुई स्त्री ऐसे सभी शानदार चित्र हमें घरेलू जीवन को बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या हैं? कई प्रकार के भावों को दिखाती है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान की प्रमुख चार विषय हैं। पहला है पौराणिक कथाएं कृष्ण लीलाए और दूसरा है हमारा राजसी वैभव तीसरा घरेलू जीवन और रागमाला एवं ऋतुओं के चित्र तो टोटल चार प्रमुख विषय है अगर कोई भी पांच नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रमुख विषय बताओ चित्रकला को लेकर राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय तो इन चारों के नाम आप लिख सकते हो ठीक है चारों के नाम आप बिल्कुल लिख सकते हो हाँ एक बच्चे का प्रश्न है आया सर क्या हम एक मंथ में राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हैं क्या देखो बच्चों राजस्थान जीके की तैयारी टू बी फ्रेंक एक महीने में नहीं होती है कोई रॉकेट साइंस नहीं कि तुम सब कुछ एक महीने में रट लोगे बट हां किताबें पलट जरूर सकते हो एक बार मोटा मोटा तुम्हें राजस्थान के बारे में पता लग जाएगा एक महीने में और प्रैक्टिकली राजस्थान जीके की तैयारी करने के लिए कम से कम तीन महीने लगते हैं कम से कम तीन महीने लगेंगे डिटेल में ढंग से पढ़ने के लिए एक महीने में सिर्फ खाना पूर्ति होगी एक महीने में कोई राजस्थानी जीके की तैयारी नहीं होती है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग बेशक लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ना हो या तुम्हें किसी के लिए भी पढ़ना हो किताबें पलट लो एक महीने में किताबें पलट लोगे कम से कम मोटा मोटा तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे पर कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल बनेगा पर फिर भी एक महीने में 50% क्वेश्चन तुम ठीक कर सकते हो राजस्थान जीके के अगर पेपर इजी आया तो ये हकीकत है चलिए तो आगे की बात करते हैं और अब सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करते हैं तो देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली की पहले व्यवस्था को समझो भौगोलिक स्थिति को समझो मेवाड़ हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है और वहां पर मौसम अच्छा रहता है क्योंकि वनस्पतियां भी ठीक ठाक हैं और जल की भी प्रचुरता है अगर हम थार को देखें तो उसके सापेक्ष तो हमारे चित्तौड़गढ़ नाथ द्वारा शाहपुरा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह मेवाड़ चित्रकला शैली में आएगा अब देखो सिंपल सी बात है पानी अच्छा खासा है वनस्पति अच्छी खासी है तो इसीलिए हम शैली में सौंदर्य को देखेंगे बंजर पन्नी दिखेगा अच्छा खासा हरा भरा दिखेगा तो राजसमंद और जैसंमंद की विशाल झीले चित्रों में देखने को मिलती हैं अरावली की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं बड़े बड़े किले और झीले भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो अच्छे खासे महल यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो चित्र भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे तो मेवाड़ चित्रकला शैली के जो भी विषय होंगे ना वो बड़े शानदार होंगे मतलब किसी में भी दुख और करुणा भाव ज्यादा नहीं होगा हर्षोल्लास और एक हरा भरा मौसम का प्रभाव रहेगा इसीलिए मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख विषय हैं गीत गोविंद ढोला मारू रागमाला नायक नायिका के भेद रसिक प्रिया भागवत पुराण रामायण तो मुख्य रूप से धार्मिक प्रभाव भी यहां देखने को मिला तो थोड़ा सा जो रोमांस है वो हमें ढोला मारू और नायक नाय नायक नायिका या रागमालाओं में देखने को भी मिला तो दोनों ही चीजें मेवाड़ चित्रकला शैली में देखने को मिल जाती है। अब क्या क्या विशेषता है तो यहां पर पांच नंबर का प्रश्न आता है ध्यान रखिएगा मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषताएं पांच नंबर का प्रश्न यहां पर आ जाता है तो सबसे पहले मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता है संयोजन और आकृतियां खासकर जो भी घटनाएं चित्रों में उकेरी गई हैं वो अलग अलग टाइम पर हुई हैं पर उन्हें एक बेहतरीन तरीके से जोड़ने की कोशिश चित्रकला में देखने को मिलती है तो जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है या फिर महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको मध्य में रखकर चित्र बनाए गए हैं जैसे कि किसी एक मेन व्यक्ति के जीवन पर मुझे कुछ ड्रॉ करना था तो उस मेन व्यक्ति को सेंटर में रखा और उसके सोच के विचार के हिसाब से डायग्राम को बनाने चालू कर दिया जैसे कि मान लीजिए मुझे बरसात का मौसम अच्छा लगता है तो चित्रों को कुछ ऐसा बताया जाएगा कि उसमें प्रेजेंट हो कि मैं बहुत उत्सुकता से बरसात के मौसम को देख रहा हूं मुझे गर्मी पसंद नहीं है तो उस एक्सप्रेशन को भी दिखाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई विशेष घटना हो उसको मेन थीम रखकर फिर चित्र बनाए जाते हैं तो ये होती है संयोजन कला तो ये काफी अच्छी है और रही बात शारीरिक आकृतियों की तो मेवाड़ के अंदर चित्रों की नाक लंबी होती है गोल चेहरे होते हैं जो ठोड़ी यानी चुबुक जो होती है वो अंडाकार होगी और गर्दन के बीच में बीच का भाग अधिक भारी होगा यानी कि गर्दन थोड़ी सी मोटी बनाई जाएगी तो इस तरीके से आकृतियां होती हैं मेवाड़ चित्रकला शैली की वेशभूषा कैसी होती है मेवाड़ में जो लोग पहना करते थे घेरधार, जामा, मेवाड़ी पगड़ी कमर के ऊपर रंगीन पटका ये सब पुरुषों में होगा महिलाएं यहां पर पारदर्शी ओढ़नी पहनेंगे यानी कि जो आजकल नेट की चुननी चलती है ना लड़कियों की वैसी चुनियां तब भी पहना करते थे पारदर्शी ओढ़नी चोली और लहंगा यहां पर महिलाएं पहनेंगी और खासकर जो अभी कलीरे चलते हैं वैसे ही गर्दन में हमारे कमर में भुजाओं में और कलाइयों में काले फूंदने भी पहनाए जाते थे तो ये सब महिलाओं की वेशभूषा हो जाएगी है ना तो ये सारी चीजें होंगी हाँ, मयंक का एक प्रश्न है कि सर आर एस के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए बिल्कुल कल रात को नौ बजे लो कल रात को नौ बजे कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर आर एस करने वाले ठीक है तो कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी प्लान आएगा कल रात को नौ बजे के वीडियो में तो पूरा डिटेल वहां पर हम बात करेंगे हम सोच ही रहे थे कई बच्चों ने मैसेज किए हैं कि आर एस के लिए स्ट्रेटेजी प्लान बताइए तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं लगभग 25-30 लोगों ने तो डायरेक्ट मैसेज किया है और बाकी लोगों ने ऐप के थ्रू किया है तो इसीलिए कल रात को नौ बजे ऑलरेडी सेशन प्लान है कल रात को नौ बजे स्ट्रेटेजी सेशन होगा ओके चलिए तो तीसरी विशेषता मेवाड़ चित्रकला शैली की आलंकारिक प्रकृति आलंकारिक चीजें क्या होती हैं पहले तो शब्द का मतलब से जो अलंकरण जैसे कि हम होते हैं ना कोई खाना बनाया तो उसको सजाने के लिए कुछ लगा देते हैं घर में सजावट के लिए कुछ लगा देते हैं ऐसे ही चित्रों को सजाने के लिए भी कुछ विशेष डिजाइनें बनाई जाती हैं वो अलंकरण कहलाती हैं तो ऐसी अलंकार प्रकृति है खासकर जैसे कि वृक्ष होंगे तो थोड़ा सा इकट्ठा करके झुंड में बना दिए जल की लहरें जो हैं उनको लहरेदार दिखा दिया तो बहता हुआ जल अच्छा दिखेगा तो उसे कहते हैं अलंकरण तो ऐसे चित्रों को सजाने के लिए प्राकृतिक अलंकरण का प्रयोग मेवाड़ की चित्रकला शैली में होता है फिर बात करो पशु पक्षी की अब देखो सिंपल सी बात है पेड़ पौधे हैं जल है अच्छी खासी हरा भरा माहौल है तो पशु पक्षी होंगे ही होंगे तो इसीलिए मेवाड़ चित्रकला शैली में कपड़े से बने खिलौने की समान पशु पक्षी दिखते हैं तो पशु पक्षी बहुत दिखेंगे पर जैसे होता नहीं कि कपड़े या कागज का कोई चिड़िया बना दी वैसे छोटी छोटी दिखाई देती है कभी आपने बचपन में खेला हो तो पता नहीं हम लोग हमारे जब हमारा बचपन हुआ करता था तो हम लोग कागज की नाव बनाना कागज की चिड़िया बनाना ये कॉमन था तो कागज की चिड़िया जैसे बनती है ना बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से डायग्राम आपको दिखेंगे पशु पक्षियों के भवन भवन हमारे शिखर गुम्बद गुंबदाकार हुआ करते थे घरों के बाहर छज्जे निकले होते थे और चबूतरे बनाए जाते थे और सफेद रंग से भवन को सजाया जाता था तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो यहां पर एक डायग्राम था हमारा भवन सफेद रंग से सजाया हुआ है तो वाइट कलर का प्रयोग चित्रों में होता था हकीकत में नहीं ठीक है रात के दृश्य तो देखो जो रात को दिखाया जाता था वो गहरे नीले या फिर धुएं के रंग से दिखाया जाता था कि पीछे धुएं का रंग है और गहरा नीला रंग है सफेद बिंदु लगाकर हम तारों को दिखा देते थे और चंद्रमा को भी दिखाए जाते थे कृष्ण जी के चित्र बहुत देखने को मिलते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली में और खासकर रागमाला चित्र में कृष्ण को नायक और राधा को नायिका बनाया जाता है क्योंकि रागमाला चित्रों में अलग अलग राग रागनीय होंगी तो उसके हिसाब से चित्र बनाएंगे ऋतुओं के हिसाब से चित्र बनाएंगे तो उसमें कृष्ण जी और राधा जी को नाग नायक नायिका मानकर और फिर उनको केंद्र में रख के चित्र बनाए जाएंगे तो ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं सामाजिक जीवन ले लो सामाजिक जीवन जो होगा उसमें ग्रामीण जीवन दरबार जुलूस विवाह संगीत उत्सव नृत्य युद्ध आखेट ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मतलब जो भी लोक जीवन की चीजें होती हैं वो लगभग सभी चीजें यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगी तो इट शुड बी रिमेम्बर क्या कह रहे हो लैब असिस्टेंट के लिए भी स्ट्रेटजी चलो बिल्कुल लैब असिस्टेंट के लिए भी कोशिश करेंगे हाँ अब अगली मेवाड़ चित्रकला शैली की एक अगली महत्वपूर्ण चित्रकला शैली जो कि बहुत फेमस है नाथ द्वारा की चित्रकला शैली तो हमारी नाथ द्वारा चित्रकला शैली की सबसे बड़ी विशेषता है पिछवाइया क्योंकि देखो जो नाथ द्वारा शैली है ना तो नाथ द्वारा हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला में है और उदयपुर के पास में बसा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट वैष्णव धर्म का काफी प्रादुर्भाव है क्योंकि तो यहां पर पुष्टि संप्रदाय की केंद्र है वल्लभ संप्रदाय से काफी सारी शाखाएं निकली और उसी वल्लभ संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है पुष्टि संप्रदाय उसका केंद्र स्थल नाथ द्वारा है तो हमारे और औरंगजेब जब सारे मंदिरों को तोड़ रहा था तो वैसे ही वो वल्लभ संप्रदाय के पीछे भी गया तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें नाथ द्वारा लेकर आया गया तो तब से पुष्टि संप्रदाय स्थापित हो गया और नाथ द्वारा में पुष्टि संप्रदाय बहुत फेमस हो गया इसीलिए आपको वल्लभ संप्रदाय और श्री कृष्ण जी के चित्र काफी नाथ द्वारा में देखने को मिलेंगे हमारे नाथ द्वारा शैली में नाथ द्वारा शैली का जो विकास हुआ ना वो हुआ कि ब्रज के अंदर ब्रज यानी कि यूपी के प्रदेश में औरंगजेब और मुगल दमन कर रहे थे तो वहां का प्रभाव और मेवाड़ की चित्रकला शैली का प्रभाव तो इसीलिए नाथ द्वारा शैली जो है ब्रज शैली और मेवाड़ शैली इन दोनों के संयोजन से बनी तो धीरे धीरे नाथ द्वारा शैली बढ़ने लग गई और श्रीनाथ जी का और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी यहां पर देखने को मिल गई तो इसीलिए श्रीनाथ जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप के पीछे सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े पर्दे बनाए जाते थे उनको पिछवाई कहते थे श्रीनाथ जी के उत्सव पर लीला संबंधित विषय के आधार पर पिछवाइयां बनाई जाती थी और नाथ द्वारा की पिछवाइयां बहुत फेमस हो गई पिछवाई जैसे कि आप देख सकते हो श्रीनाथ जी की प्रतिमा और उसके पीछे जो पूरा डायग्राम बन रहा है जिसमें कहीं पर चित्र है श्री कृष्ण जी का कहीं पर गायों का चित्र है कहीं पर मंदिर का चित्र है इस तरीके के पूरे डायग्राम अलग अलग रूप में आपको देखने को मिले थे जो बड़े से पर्दे पर होंगे दैट इज पिछवाई हमेशा जो भगवान की मेन मूर्ति होती है उसके पीछे ये होते हैं इसीलिए इसे पिछवाई कहा जाता है तो इसीलिए इसे कहते, क्या कहते हैं पिछवाई तो ध्यान रखिएगा पिछुआइयों पर दो नंबर का प्रश्न बन सकता है कई बार मेंस में आया भी है तो ये हमारे मेन है नाद द्वारा शैली की तो गाइस आगे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक नया बैच हमारा 20 तारीख से भी आ रहा है तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है बाकी सोलह तारीख वाला बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें साइंस एंड टेक की क्लासेस काफी शानदार चल रही हैं और काफी शानदार रेस्पॉन्स भी इस बैच को मिल रहा है क्योंकि तो इतना डिटेल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे राजस्थान में कभी किसी ने नहीं करवाया जितना शानदार तरीके से अभी ये बैच चल रहा है तो आप सभी के पॉजिटिव रेस्पॉन्स पॉजिटिव फीडबैक भी देखने को मिल रहे हैं तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो 20% डिस्काउंट के साथ आप शर्मा टेन रेफरल कोड के थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी कर लोगे 12 बजे से पहले तो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अदरवाइज टेन परसेंट डिस्काउंट ही आपको मिल पाएगा हाँ बिल्कुल सही केले के पत्तों का चित्रण और काफी चीजें हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली के बारे में बात करते हैं तो देखो किसी भी चित्रकला पर वहां की भौगोलिक विशेषता सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है अब मारवाड़ है कैसा थोड़ा रेगिस्तान का प्रभाव होगा नहीं होगा होगा तो चित्रों में भी हमें वो दिखाना पड़ेगा तो मारवाड़ जिसके अंदर बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर नागौर और शेखावटी के कुछ भाग आते हैं तो वहां पर मरुस्थल का प्रभाव चित्रों में दिखेगा इसीलिए मारवाड़ चित्रकला शैली में तुम्हें रेतीले टीले और धोरे खूब देखने को मिलते हैं अच्छे खासे सैंड आपको देखने को मिल जाएंगे और खासकर चित्र ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें साफ साफ देखने को मिले कि लोगों का जीवन यहाँ पर जीना बहुत कठिन है इतना आसान नहीं है लोगों का जीवन जीना क्योंकि हकीकत में रेगिस्तान में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है तो वो चीज यहां पर भी दिखती है जनजीवन काफी कठिन है सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं महान और श्रेष्ठ बनाई गई हैं। और साथ ही साथ इसकी कई उपश हमारे क्योंकि देखो जब जीवन जीना कठिन होता है ना तो हमें आदर्श उच्च रखने पड़ते हैं तभी तुम जीवन जी पाओगे इसीलिए सामाजिक परंपराओं को महान और श्रेष्ठ बनाया गया है हमारे मारवाड़ शैली की उपशैलियों में आते हैं जोधपुर शैली नागौर शैली पाली मेड़ता कुचामन बीकानेर और किशनगढ़ शैली तो ध्यान रखिएगा किशनगढ़ शैली हमारे मारवाड़ चित्रकला शैली का ही उपशैली है क्या क्या प्रमुख विषय रहे हमारे मारवाड़ चित्रकला शैली के शिव पुराण, राम कृष्ण की कथाएं बारह मासा राग रागिनी और हमारे लोक देवता क्योंकि तो लोक देवताओं का बहुत बड़ा प्रभाव है मारवाड़ में तो जैसे पाबू जी हड़बू जी मूमल देहाल दे इनके काफी चित्र आपको देखने को मिलेंगे तो ये प्रमुख विषय हैं हमारे चित्रकला शैलियों के अब क्या क्या विशेषताएं हैं मारवाड़ चित्रकला शैली की तो वापस पांच नंबर का प्रश्न बन जाएगा कि मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषताएं बताओ तो सबसे पहले मानव की आकृतियां देखो एक चीज ध्यान रखना कुछ बच्चे होते हैं कि पांच नंबर का प्रश्न आता है मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषताएं बताओ एक पैराग्राफ लिखने लग जाते हैं और उसमें सब कुछ लिख देते हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो पॉइंट फॉर्मेट में ही आंसर लिखोगे जैसे कि मानवाकृतियां ये ये विशेषता वेशभूषा यह ये ये विशेषता पशु पक्षी यह ये ये विशेषता घरेलू जीवन ये ये विशेषता तो वो आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इसीलिए हमेशा मेंस में पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखिए तो देखो यहां पर पुरुषों की मानवाकृतियों में लंबी और सलीके से बंधी हुई दाढ़ी होगी गोल घुमावदार रोबीले मुछी होंगी तो ये होती नहीं हमारी मुछे इस तरीके की मूछे यहां पर देखने को मिलेंगी तो हमारे मारवाड़ में मूछो का बड़ा शौक है तो ले मुछे यहां पर आपको देखने को मिलेगी शरीर की तुलना में मुखमंडल छोटा होगा क्योंकि तो देखो मारवाड़ में, में तुम्हें दमदार रहना पड़ेगा ऐसी जलवायु है तो इसीलिए मारवाड़ के अंदर पसीना कम आए इसलिए स्किन मोटी हो जाती है तो इसीलिए शरीर बढ़ जाता है और चेहरा शरीर के सापेक्ष छोटा होता है तो छोटा चेहरा और पूरा कद जो है कद काठी जो है वो बड़ी दिखती है आंखें परवल के समान बड़ी होती हैं यहां पर ठीक है और यहां की जो औरतें होंगी वो भी अच्छी खासी लंबी होंगी हट्टी गट्टी होंगी तो यहां पर स्त्रियों की आकृतियां सुसज्जित और लंबी होंगी जैसे कि खंजर नहीं होता बिल्कुल खंजर की तरह खंजन पक्षी के समान नेत्र बनाए जाते हैं महिलाओं के गालों पर झूलती हुई बालों की लटे भी होंगी क्योंकि तो हमारे पुरुषों की मूछे ही जब इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि घुमाव खा रही हैं तो महिलाओं के बालों की लटे तो दिखनी ही चाहिए क्योंकि देखो जलवायु ऐसी है कि बालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है बाल अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो वो चीज यहां पर देखने को मिलती है फिर तीसरी विशेषता वेशभूषा अब वेशभूषा में देखो गर्मी का मौसम है कुछ हल्का फुल्का पहनेंगे ओपन पहनेंगे तो गर्म लू लगेगी और पूरे झुलस जाओगे जल जाओगे इसीलिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे जो कि लंबे हों पैरों तक ढंग से ढक कि कल को धूप पड़े भी तो भी झुलसे नहीं तो इसीलिए लंबे घेरदार जाम में पहने जाते थे जो कि मुगल काल की देन है और अलंकारिक शिखरदार पगड़ी होती थी पगड़ी होने का क्या फायदा है भैया गर्मी पड़ेगी तो सिर गर्म नहीं होगा पगड़ी पर गिरेगा तो इसीलिए लंबी चौड़ी पगड़ी आपके काम करती थी ठीक है तो इस तरीके से चीजें होती थी तो ये लॉजिकल चीजें हैं जो की जाती थी ठीक है अगला हमारा यहां पर प्रमुख विशेषता हो जाती है प्रकृति किस प्रकृति के यहां पर होते थे तो देखो जीवन वैसे ही कठिन है एटीट्यूड में रहकर कोई करेगा क्या तो इसीलिए प्रकृति को बड़ा ही सहज बनाया जाता था बाग बगीचों का संयोजन बड़ी सफाई से होता था और वृक्षों के झुरमुट में अनेक पक्षी भी बनाए जाते थे माना कि इतने पक्षी यहां पर होते नहीं हैं, है ना इतने पक्षी यहां पर होते नहीं है बट फिर भी कोशिश की जाती थी रंग देखो खनिज के रंगों का प्रयोग होता था और जो खनिज के रंग होते थे उनको पीसकर गोंद अथवा तेरस मिलाकर रंग तैयार होते थे खासकर पीले रंग का प्रयोग ज्यादा होता था क्यों होता था पीले रंग का ज्यादा प्रयोग अरे भैया मरुस्थल है मरुस्थल को तो मैं पीले रंग से ही दिखा पाऊंगा ना मिट्टी को तो इसी से दिखाना पड़ेगा तो इसीलिए पीले रंग का प्रयोग ज्यादा हो जाता था कैसी रेखाएं बनाई जाती थी तो बहुत छोटी छोटी बारीक रेखाएं अत्यधिक महीन और बारीक रेखाएं यहां पर बनाई जाती थी और जो डिजाइन में रेखाएं बनाई जाती थी उनकी गति और लय बिल्कुल स्पष्ट होता था कि बिल्कुल छोटी हैं, बारीक है पर क्लियर दिखाई देंगी तुम्हें छोटी और बारीक बनाने के साथ साथ क्लैरिटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था तो ये विशेषता है मारवाड़ चित्रकला शैली की क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकला शैली किशनगढ़ चित्रकला शैली पूरे राजस्थान का सबसे शानदार चित्रकला शैलियों में इसका नाम है और मारवाड़ की तो सबसे उत्कृष्ट चित्रकला शैली है ये विकसित हुई किशनगढ़ में कहा पर किशनगढ़ के अंदर तो जैसे जयपुर जोधपुर अजमेर शाहपुरा हुआ करती थी वैसे ही एक छोटी सी रियासत थी किशनगढ़ और मारवाड़ शैली का एक अंग है ये तो अरावली के चारों तरफ है और उनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहीं पर गोदोलाव झील के किनारे बसा हुआ है किशनगढ़ तो जोधपुर महाराजा उदय सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे किशन सिंह जोधपुर महाराजा उदय सिंह के सबसे छोटे पुत्र किशन सिंह उन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की और वल्लभ संप्रदाय का अच्छा खासा प्रभाव है यानी कि भगवान श्री कृष्ण काफी बड़ा प्रभाव रहेगा और यहां पर सावंत सिंह जी थे महान कलाकार और सावंत सिंह जी जिन्हें आगे जाकर नागरी दास कहा गया तो सावंत सिंह जी जिनको आगे जाकर नागरीदास के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और इन्होंने पूरी चित्रकला को सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया तो ध्यान रखिएगा तावंत सिंह यानी नागरीदास प्रमुख और सबसे महान चित्रकार हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली के क्या क्या विषय हैं अब देखो वल्लभ संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है तो सिंपल सी बात है वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से श्री कृष्ण जी की चीजें ही ज्यादा दिखेंगी, जैसे कि गीत गोविंद भगवत पुराण बिहारी सत्य कृष्ण राधा शिकार के दृश्य ये सब यहाँ हमें देखने को मिलते हैं इसके बाद में नायिका भेद चांदनी रात में नौकायन दीपावली रानियों के साथ में रानियां पानी में खेलती है ना कि आज है पानी डूबा डूबा तो बस वही रानियों की जल क्रीड़ा भी यहां देखने को मिल जाती है पर ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रभाव वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण जी का रहा क्या क्या विशेषताएं हैं तो देखो विशेषताएं तुम इस डायग्राम से देख सकते हो यह है डायग्राम हमारे राजस्थान की मोनालिसा पता है मोनालिसा क्यों फेमस है मोनालिसा इसलिए फेमस है क्योंकि जो उसको जिस भाव से देखता है वो उसे वैसी नजर आती है बहुत सारे एक्सप्रेशन है मोनालिसा में मतलब कोई उसको गुस्से से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा मोनालिसा गुस्सा है कोई उसको प्यार से देखेगा तो मोनालिसा उसको मुस्कुराती हुई दिखेगी तो मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए फेमस है मोनालिसा और कुछ वैसा ही चित्र बनाया है हमारे राजस्थान की बनी ठनी का इसीलिए राजस्थान की बनी ठनी कहलाती है राजस्थान की मोनालिसा तो यहां पर इस चित्र से आपको पता चल गया होगा कि कितनी शानदार चित्रकारी है किशनगढ़ शैली की तो किशनगढ़ शैली में स्त्रियों की आकृतियों को बहुत सुंदर बनाया गया है जैसे कि इस डायग्राम को देख रहे हो देखते आपको लग रहा होगा कि कितनी कोमलांगी है ये स्त्री कितनी कोमल है ये तो यहां पर शारीरिक कोमलता पर पूरा ध्यान दिया गया है आपको इसके अंदर कर्व साफ दिख रहे होंगे कि फीमेल में कितने अच्छी लयात्मकता है बॉडी के कर्व्स कैसे हैं तो लयात्मकता यहां आपको देखने को मिल जाएगी पतली कमर बनाई जाएगी और बदन बिल्कुल छरहरा होगा मतलब बिल्कुल स्लिम ट्रिम छरहरा बदन पर साथ में उन्नत वक्ष यानी कि जो ब्रेस्ट होंगे वो अच्छे खासे बनाए जाएंगे यहाँ पर ओढ़नी पारदर्शी पहनाई जाएगी चोली और लहंगा पहने हुए होंगे तो पूरा का तो पूरा जो बदन है शरीर है वो बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा गले में हार होगा माथे के आभूषण होंगे हाथों में कंगन कमन में करघनी इत्यादि सब कुछ पहना होगा बाल जो होंगे वो घुंघराले बनाए जाएंगे और लंबे बनाए जाएंगे और कानों के पास जो लटे दिखाई जाएंगी जैसे कि इस डायग्राम में देखो कान और कान के पास है लट तो कान के पास आपको लटे देखने को मिल जाएंगी कान के पास गालों पर बालों की लटे देखने को मिलेंगी तो यह विशेष सुंदरता है जो कि इन्हीं चित्रों में देखने को मिलती है पुरुषों के चित्र में सिंपल धोती पाजामा पहना होगा और गले में मोतियों की माला होगी तो ये मानवाकृति की विशेषता है हमारे किशनगढ़ शैली की मुख मुद्रा पर आ जाओ तो किशनगढ़ शैली में खंजन पक्षी के जैसे तीखे नैन होंगे तो देख सकते हो यहां पर अच्छे खासे जैसे कि कोई खंजर हो तो अच्छे खासे तीखे नैन बनाए गए हैं भौए बिल्कुल धनुष जैसी तनी हुई होंगी और आंखें होंगी कजरारी तो बिल्कुल कजरारे कजरारे नैना हमारे यहां पर देखने को मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा अच्छे खासे खजरारे खजरारे नैना यहां आपको देखने को मिलेंगे नाक बहुत तीखी होगी और ललाट उन्नत होगा प्रकृति कैसी है यहां की तो देखो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था हमारा किशनगढ़ तो इसीलिए प्राकृतिक छटा यहां देखने को मिलेगी तो बाग बगीचों के बीच में राधा कृष्ण प्रेमक प्रेमी प्रेमिका ये सब देखने को मिलेंगे पशु पक्षी भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे फिर महत्वपूर्ण विशेषता वल्लभ संप्रदाय की वजह से किशनगढ़ में राधा कृष्ण की तो राजा सावंत सिंह जी को कृष्ण और उनकी पत्नी बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है एक इंपॉर्टेंट बात जो बनी ठण्णी है वो सावंत सिंह की पत्नी थी सावंत सिंह की पत्नी थी बणिठणी तो उन्होंने इमेजिन किया कि मैं खुद तो कृष्ण की तरह लगूं और मेरी जो रानी है बनी ठनी वो राधा की तरह लगे तो खासकर नॉर्मल कपड़े पहनते थे उस टाइम पर ऐसा तो था नहीं कि कोई कृष्ण जी की तरह तैयार होता हो या कोई राधा जी की तरह तैयार होता हो तो उन्होंने इमेजिन किया कि अगर बनी ठण्णी को राधा की वेशभूषा में पहनाया जाएगा और वो राधा की तरह लगे तो कैसा चित्र बनेगा तो इसीलिए सावन सिंह जी की जो रानी थी बनी उसको बिल्कुल राधा के रूप में चित्रित किया गया तब बनी ठनी बनती है तो इस तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन यहां पर दिखाया गया है। रंग कैसे थे तो देखो चटक रंगों का प्रयोग किया गया है किशनगढ़ शैली में लाल पीले नीले रंगों का बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है गोलाई देने के लिए रंगों में तान दिए जाते हैं पोत का भी अच्छा प्रयोग हुआ है रात के चित्र कैसे दिखाए गए तो देखो चांदनी रात में नौकायन बहुत शानदार दिखाया गया है रात के लिए दीपावली का जगमगाहट बहुत अच्छी दिखाई गई है और खासकर यहां पर पीली पीले रंग से काफी खूबसूरत रात्रि के चित्रों को दिखाया गया है रेखांकन कैसा है बहुत ही बारीक लचीली रेखाएं यहां पर खींची गई हैं तो ये सारी विशेषताएं हैं है हमारी किशनगढ़ शैली में तो इट शुड बी रिमेंबर तो ये सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको किशनगढ़ शैली में देखने को मिलेंगी चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हमारे हाड़ौती चित्रकला शैली कौन सी चित्रकला शैली पर हाड़ौती अब थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र देख लो तुम हाड़ौती का भी सिंपल सी बात है हाड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है डेक्कन प्लेट्यू का भाग है गोडवाना क्षेत्र का अंश है ज्वालामुखी के द्वारा निकले लावे से बना हुआ धरातल है यानी कि दक्कन के पठार का अंश है तो अच्छी खासी पानी भी होगा और वनस्पति भी होगी तो वनस्पति होंगे तो जंगल होंगे जंगल होंगे तो जीव जंतु होंगे और जीव जंतु होंगे तो शिकार भी होगा तो इसीलिए हाड़ौती चित्रकला शैली में शिकार का बड़ा महत्व है तो देखिए हाड़ौती चित्रकला शैली जो कि कोटी कोटा बूंदी रियासतों को मिलाकर बनाई जाती है तो खासकर राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भाग का क्षेत्र है जंगलों से घिरा हुआ है इसीलिए दो शैलियां यहां पर मुख्य रूप से विकसित हुई कोटा और बूंदी छोटे बड़े सामंत यहां पर कलाकारों का आश्रय देते थे और फिर ही बनी तो सबसे पहले कोटा शैली के प्रमुख विषय नायिका भेद पुराण ढोला मारू और शिकार के चित्र क्योंकि देखिए यहां पर भी कोटा के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है मथुरेश जी का तो इसीलिए भागवत पुराण और ढोला भागवत पुराण यहां आपको देखने को मिलेगा और जहां कृष्ण जी तो सबके सब कृष्ण सब भक्ति आई कहां थी ब्रज से आई थी क्योंकि मुगल और औरंगजेब अतिक्रमण कर रहे थे मंदिरों को तोड़ रहे थे तो इसीलिए ब्रज शैली का प्रभाव भी यहां देखने को मिल जाता है तो ब्रज शैली का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा साथ ही साथ हमारी विशेषताएं कोटा शैली की तो मानवा कृतियों पर जाओ तो मानवा कृतियों में शरीर गठीला और भारी शरीर था यहां पर आंखें बड़ी होती थी और तीखी नाक बनाई जाती थी और बिल्कुल लड़की हो या लड़का हो हट्टे कट्टे और पुष्ट शरीर वाले दिखते थे वेशभूषा में पुरुषों को अंगरखा पहना देखा गया है सिर पर पगड़ियां होती थी और महिलाएं ओढ़नी पहनती थी चोली और घाघरा पहनती थी ओढ़नी को पारदर्शी और सुरहने काम से बनाया गया है तो अच्छी खासी पेंटिंग हुआ करती थी और सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट शिकार के दृश्य शिकार के दृश्य चाहे बूंदी चित्रकला शैली हो या कोटा चित्रकला शैली हो दोनों में ही बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाए गए हैं तो खासकर शेर चीते हिरण और सुअर के शिकार बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए जैसे कि यह डायग्राम देखो इसमें किस तरीके से शेर का शिकार किया जा रहा है तो वो राजसी वैभव और शौर्य को शेर के शिकार से ही दिखाते थे है ना तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती थी तो इट शुड बी रिमेम्बर रंग कौन कौन से यूज करते थे रंग हम लाल हरा सुनहरा नीला और कहीं कहीं काले सफेद रंगों का भी अच्छा खासा प्रयोग करते थे त्योहार और उत्सव के चित्र भी देखने को मिलते हैं क्योंकि तो होली दिवाली नवरात्रा ये हमारे प्रमुख त्योहारों में से हैं जो यहाँ पर उकेरे गए बाकी कईयों ने इतने त्योहारों को इतनी विशेषताएं नहीं दी बट यहाँ पर कोटा शैली में देखने को मिली अब बूंदी चित्रकला शैली जो कि एक इंपॉर्टेंट चित्रकला शैली है कई बार मेन्स में ये पूछी गई है क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थानी चित्रों में बूंदी चित्रकला शैली का क्यों है क्योंकि बूंदी चित्रकला शैली एक ऐसी चित्रकला शैली जो कि स्वतंत्र रही किसी का कोई ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ा तो इसीलिए अपने मूल रूप में आज तक रही है तो इसीलिए मौलिकता और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है बूंदी चित्रकला शैली तो काफी स्वतंत्र और मौलिक चित्रों के रूप में यहां देखने को मिलेगी क्या प्रमुख विषय थे बूंदी चित्रकला शैली के राग रागिनी मासा नायक नायिका कृष्ण लीलाए दरबारी दृश्य और शिकार के दृश्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे और उत्सव और त्योहार भी मिलेंगे साथ साथ पौराणिक कथाएं और घरेलू जीवन भी इन्होंने दिखा दिया तो इस तरीके से काफी सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है तो यहां पर देख सकते हो प्राकृतिक सौंदर्य भी है तो घरेलू जीवन और मनोरम दृश्य भी आपको देखने को मिलते हैं मानवों की आकृतियां कैसी थी पुरुषों की आकृतियां मने मरे हुए बदन के लिए बनाई जाती थी जैसे कि बिल्कुल कोई ऐसे ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा गोल चेहरे होंगे गर्दन बिल्कुल मरी हुई होगी पतले पतले होठ होंगे छोटी सी नाक और आपके चुबुक लहराती हुई गतिमान होगी स्त्रियों हमेशा लंबी और पतली बनाई जाती थी वेशभूषा बूंदी चित्रकला शैली में पुरुषों की आकृतियों को लंबा चक्कर द्वार का जामा पहनाया जाता था कि बहुत लंबा और ऐसे चक्कर वाला झुकी हुई पगड़ी डाड़ी मूछ यहां पर बनती थी दुपट्टा बांधे हुए चुस्त पाजामा पहने हुए हुआ करते थे वहीं पर महिलाएं सिर पर ओढ़नी कसी हुई चोली काले रंग के घाघरे पहना करती थी तो ये प्रमुख चीजें थी साथ ही साथ यहाँ पर जो मकान भवन हुआ करते थे वो बहुत शानदार थे मकानों में बड़ी बड़ी छतरियां हुआ करती थी गोल गुंबज हुआ करते थे अब आसपास आपके अच्छे खासे जंगल हैं तो उनको देखने के लिए झरोके बनाए जाते थे बेल बूटेदार जालियां बनती थी चित्र सुंदर चित्र वाली दीवारें थी बैठने के लिए आसन थे तो भवन बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर दिखाए जाते थे तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं तो इट शुड बी रिमेम्बर फिर गाइस प्रकृति का चित्रण अब अच्छे खासे चीजें हैं तो प्रकृति का हम चित्रण ढंग से करेंगे ही करेंगे तो इसीलिए प्रकृति को बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है बादलों से भरा हुआ आकाश कमल के पुष्प से भरे हुए तालाब और तो और पक्षियों में हंस को भी नहीं छोड़ा तो हंस दिखा दिया बतक दिखा दी दि, मोर तोते पशु हिरण बंदर सब दिखा दिए तो बहुत शानदार प्रकृतियों को यहां पर दिखाया गया है रंग कैसे यूज करते थे रंग योजना तो एक भी रंग नहीं छोड़ा बूंदी चित्रकला शैली में सातों के सातों रंग यूज किए हैं मतलब कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए तो सातों के सातों रंग यहां पर यूज किए हैं जिसमें से गुलाबी लाल सुनहरा और हरा रंग ज्यादा यूज किया क्योंकि देखो प्राकृतिक चीजें हैं हरा रंग मुझे दिखाना पड़ेगा काला रंग का प्रयोग यहां पर विशेष रूप से किया गया है और खासकर स्त्रियां काले रंग के घाघरे यहां पहना करती थी तो खासकर काले रंग महिलाओं के घाघरे में देखने को मिलेंगे तो ये बात हो गई बच्चों हमारे यहां पर बूंदी चित्रकला शैली की अब थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं हम किस पर ढूंढाड़ चित्रकला शैली की जो कि हमारी अंतिम चित्रकला शैली है तो ढूंढाड़ चित्रकला शैली जयपुर आमिर अलवर शेखावटी और उनियारा क्षेत्र उनियारा यानी झुंझुनू वाला क्षेत्र इसको मिलाकर हम बोलते हैं ढूंढाड़ चित्रकला शैली ये सभी उपशैलियां हैं जैसे कि आमेर शैली जयपुर शैली ये सब उपशैलियां हैं उनियारा शैली और इनमें सबसे पहले ज्यादा जो फेमस हुई वो हुई है आमेर या जयपुर उपशैली तो सबसे पहले जयपुर उपशैली की बात करते हैं इस चित्र को ढंग से देखो आपको देखने को मिलेगा कि राजसी ठाट बाट तो कम नहीं है तो जयपुर हमेशा से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है इसलिए यहां पर जो राजसी ठाट पाठ है यानी कि जो भवन है वो अच्छे खासे बनाए गए हैं तो भव्य भवनों को देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा बड़े बड़े भवन बताएंगे कि राजा कितना शक्तिशाली है साथ ही साथ सबसे पहले मुगलों का संबंध भी यहां पर हुआ तो पंद्रह ईस्वी में राजा भगवान भगवान दास ने अपनी जो बड़ी बेटी थी जोधाबाई जिसे आप जानते ही हो उससे शादी कर दी थी तो तब से ही अच्छे खासे संबंध रहे तो भव्य तो होंगे ही होंगे क्या क्या प्रमुख विषय थे जयपुर की चित्रकला शैली के यहां पर भी वैष्णव संप्रदाय ने अपनी छाप छोड़ रखी है क्योंकि जब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को तोड़ा गया तो हमारे एक मूर्ति जयपुर में भी आ गई जिसे आज हम गोविंद देव जी के नाम से पूछते हैं तो वैष्णव संप्रदाय यहां पर भी आपके अच्छा खासा पैठ बनाए हुए हैं तो वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव यहां देखने को मिलेगा इसीलिए गोवर्धन धारी कृष्ण रासमंडल कृष्ण लीला नायिका भेद राग रागिनी बारामासा भागवत प्रणा दुर्गा सप्तशती बिहारी तत्सई ये सब प्रमुख चित्र यहां पर हमें देखने को मिले और प्रमुख विषय भी यही है प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो आकृतियों में जयपुर में शारीरिक आकृतियां सुगठित ढंग से गोल चेहरे होते हैं यहाँ पर चेहरे पर कोमलता दिखाई जाती है और एक चश्म रेखाओं में सफाई और गोलाई का भाव रहता है तो अच्छी खासी आकृतियां है यहां देखने को मिलती हैं वेशभूषाओं की बात करें तो पुरुष यहां पर ढीले पायजामे पहनते हैं और अंगरखियां पहने हुए होते हैं गलियों में गले में मोती की माला होती है स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को गहरे रंग के घाघरे दिखाए गए हैं कसी हुई चोली और पारदर्शी ओढ़नी ये महिलाओं की वेशभूषाएं हैं भवन बहुत ही शानदार दिखाए गए हैं भवन बहु... में महलो चौराया मीनार छतरियां ये सब दिखाई गई है रंग यहां पर जो यूज हुए हैं वो ठंडे रंग यूज हुए हैं मतलब ऐसे कोई ज्यादा चटक भटक और बिल्कुल आंखों को चुगने वाला रंग यूज नहीं किया गया बहुत ही शीतल रंग जयपुर की चित्रकला शैली में यूज किए गए हैं और रेखाएं है, बहुत बारीक बनाई हैं और वो भी सुनहरे रंग से बनाई हैं तो सुनहरी शैली का प्रयोग हुआ है चित्रों में रंग योजना के अनुसार प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि कहाँ पर ज्यादा लाइट आएगी कहाँ कम लाइट आएगी उसको भी बहुत बेटर तरीके से जयपुर चित्रकला शैली में दिखाया गया है ना तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी बच्चों मेरी क्लास सवा आठ बजे चालू होती है सॉरी तो क्लास मैं अब आपके साढ़े आठ बजे से चालू करूंगा क्योंकि अन अकेडमी का एक प्लस कोर्स है जो कि खत्म ही छठ बजे होता है तो क्लास लेट हो ही जाती है तो डेली मेरी क्लास साढ़े आठ बजे चालू होगी ठीक है एट थर्टी पीएम पर आप मेरी क्लास डेली देख सकते हो अभी हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को करेंगे क्योंकि अब आठ बजे तक आठ पांच पर तो अन अकेडमी पर यूपीएससी वाले बच्चों की प्लस क्लास खत्म होती है अब फिर मैं यहां पर आठ बजे क्लास लेने आ नहीं पाता तो इसीलिए साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ एक घंटा हमारी क्लास होगी ठीक है तो इसी के साथ बच्चों हमारी ढूंढाड़ शैली यहां पर खत्म होती है ठीक है तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हमने कर ली बाकी डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं चाहो तो मैं आपको पांच घंटे तक चित्रकला के बारे में ही बनाता रहूं और एक एक चित्र को समझाता रहूं पर उतना काम का नहीं है तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं देखो चित्रकला से एक तो कौन सी चित्रकला की क्या विशेषता है दूसरा पूरी राजस्थानी चित्रकला शैलियों का वर्णन करो तो चारों बताने पड़ते हैं और तीसरा जो हमारे प्रश्न बनता है वो बनता है कि किसी विशिष्ट चित्रकला शैली की विशिष्ट विशेषताएं बताओ जैसे कि किशनगढ़ बहुत पूछा जाता है नाथ द्वारा बहुत पूछा जाता है तो इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं तो यही तीन प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ओके गाइज बाकी बच्चों अनएकेडमी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है you know? है ना पर अनकेडमी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के साथ शर्मा टेन रेफरल कोड को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकता है शर्मा टेन रेफरल कोड यूज करोगे तो यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आज रात को बारह बजे तक कल से डिस्काउंट वापस टेन परसेंट हो जाएगा तो यूज माई रेफरल कोड शर्मा टेन और फिर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप अगर एक साल आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एक एग्जाम एक का और उससे ज्यादा एग्जाम दे रहे हो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और ये रहा मेरा कम्युनिटी तो जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट एस एस लाइव और मेरा टेलीग्राम चैनल के लिए आप एट द रेट शर्मा आर एस के नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा तो थैंक यू टू ऑल ऑफ इ गाइज हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यूर ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम बैचेस भी अवेलेबल है बाइलिंग बैचेस भी अवेलेबल है जिसे आप शर्मा टाइम रेफर कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू टू ऑल ऑफ इ गाइज हैव ए गुड नाइट